इस वक्त की बड़ी खबर यह कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है महंगाई के खिलाफ। चंडीगढ़ में कांग्रेस का महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिला है। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। कांग्रेस नेताओं की पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। ये तस्वीरें आप चंडीगढ़ की देख रहे हैं, जहां पर कांग्रेसी प्रदर्शन कर रहे थे महंगाई के खिलाफ। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया तितर-बितर करने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को। कांग्रेस नेताओं की पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी देखने को मिली। दो तस्वीरें देखिए चंडीगढ़ में किस तरह से, पहले विरोध प्रदर्शन की तस्वीर, तो दूसरी तरफ वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया कांग्रेस के इन तमाम नेताओं कार्यकर्ताओं को यहाँ से हटाने के लिए। महंगाई के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का देखने को मिल रहा है। आज चंडीगढ़ में किस तरह से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं पर, उसकी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहां धक्का मुक्की भी हुई कांग्रेस के नेताओं की पुलिस के साथ। लखनऊ, चंडीगढ़, दिल्ली, अलग अलग जगहों पर कांग्रेस के नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया था। क्या आपने भी खरीद लिया है गलत शेयर? हो गया है भारी नुकसान? देखिए मेरे साथ 80-90 पूरे 100 सिर्फ Money9 पर अभी डाउनलोड करें। चंडीगढ़ में कांग्रेस प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। आज हमने देखा किस तरह से सड़क से संसद तक कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया है। राहुल गांधी सड़क पर उतरे, प्रियंका गांधी सड़क पर उतरी, उन्हें हिरासत में लिया गया। राहुल गांधी के साथ बाकी कांग्रेस नेताओं को किंग्सवे कैंप ले जाया गया। सोनिया गांधी भी निकलकर प्रदर्शन में सामने आई। काले कपड़े पहनकर कांग्रेस ने देश भर में अलग अलग जगह विरोध प्रदर्शन किया महंगाई के खिलाफ। हमारे साथ मोहित मल्होत्रा जुड़ गए। मोहित, चंडीगढ़ की तस्वीरें हम देख रहे हैं, बड़ी संख्या में ऐसा लगता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता इकट्ठा हुए थे विरोध प्रदर्शन के लिए, और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया उन्हें यहां से हटाने के लिए। देखिए चंडीगढ़ में पंजाब कांग्रेस का काफी बड़ा ये प्रदर्शन हुआ है और बड़ी संख्या में पूरे पंजाब से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो जुटे थे। और पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजावड़िंग इस वक्त तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। वो बैरिकेड तोड़कर, बैरिकेड के ऊपर चढ़कर आगे बढ़ना चाह रहे थे पंजाब राजभवन का घेराव करने के लिए, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और बलपूर्वक जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे उनको पीछे खदेड़ा गया है। और उसके बाद जो प्रदर्शन है वो फिलहाल खत्म हो चुका है, कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां से जा चुके हैं। जी हाँ, लेकिन बड़ी संख्या में, और ऐसा लगता है कि इस मुद्दे ने कांग्रेस को एक बार फिर इकट्ठा होने के लिए एक बार फिर लामबंद कर दिया है। कांग्रेस के नेता कार्यकर्ताओं में एक तरह का उत्साह जरूर दिखाई दे रहा है, क्या ऐसा वहां देखने को मिला? जी बिल्कुल, देखिए महंगाई के मुद्दे को इस तरह से कांग्रेस चाहती है कि इस मुद्दे पर जनता के साथ खुद को जोड़ने का प्रयास किया जाए। और खुद अमरिंदर सिंह राजावड़िंग जो कि पंजाब कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा भी कि महंगाई के मुद्दे पर हम लोग पीछे नहीं हटेंगे और आज से ये जो देश भर में प्रदर्शन की शुरुआत हुई है इसको आगे लेकर जाया जाएगा और खाने पीने के सामान पर जो GST लगाया गया है उसको भी वापस लेने की मांग की जाएगी। और मोहित, आप ही की रिपोर्ट देखते हैं, ये सब जब हो रहा था, जब कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया और वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, उस वक्त की रिपोर्ट। के मुद्दे को लेकर कांग्रेस के द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। इस वक्त चंडीगढ़ में पंजाब कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजावड़िंग इस वक्त आप देखिए बैरिकेड्स को तोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर पुलिस के जो अफसर हैं, यहाँ पर चंडीगढ़ पुलिस के जो जवान हैं उनके द्वारा रोकने का प्रयास किया जा रहा है। आप देखिए जो कांग्रेस के कार्यकर्ता आगे बढ़ना चाहते हैं, राजभवन का घेराव करना चाहते हैं, उनके साथ ये धक्का मुक्की हो रही है। अमरिंदर सिंह राजावड़िंग देखिए खुद बैरिकेड पर चढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनको यहाँ पर आप देखिए जो चंडीगढ़ पुलिस के जवान हैं उन्होंने रोक दिया है। CRP को भी यहाँ पर लगाया गया है और पुलिस की कोशिश है कि इनको पीछे खदेड़ दिया जाए, लेकिन चंडीगढ़ में जो पंजाब कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जुटे हैं उनका कहना है कि महंगाई का मुद्दा आम जनता से जुड़ा मुद्दा है और वो इस मुद्दे पर राजभवन का घेराव करके रहेंगे और इसी वजह से यहाँ पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो बलपूर्वक आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस के द्वारा भी उनको लगातार रोका जा रहा है और यहाँ पर पीछे खदेड़ा जा रहा है। वाटर कैनन यहाँ पर लगाया गया है, फोर्स यहाँ पर लगाई गई है और कोशिश की जा रही है कि जो चंडीगढ़ में पंजाब कांग्रेस के कार्यकर्ता आगे बढ़कर राजभवन का घेराव करना चाहते हैं इन कार्यकर्ताओं को किसी भी तरह से रोका जाए और राजभवन तक ना जाने दिया जाए। चंडीगढ़ से कैमरामैन वीर सिंह के साथ मोहित मल्होत्रा, TV9 भारतवर्ष। बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल, खाली हो सकता है बैंक खाता। कैसे? देखिए मेरे साथ
जागते रहो सिर्फ मनी 9 पर, अभी डाउनलोड करें।